हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन। दोस्तों, एक चीज पहले बता देता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर या अदर जो व्यूअर हैं जो इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि मैं इसमें आरआरबी एनटीपीसी कोई डेट बताऊंगा, वो अभी वीडियो स्किप कर दो, वीडियो मत देखो, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। और जो लोग अपने दिमाग से बहम हटाना चाहते हैं एग्जाम की डेट को लेकर और अपनी टेंशन थोड़ी कम करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। गाइस, वो सबसे पहली चीज जो है जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि अभी हाल ही में 26 मई को एक नोटिस आया है, एक कोरिजेंडम आया है जो कि आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक, अब ऐसे में कुछ महान यूट्यूबर्स, महान ही कहूंगा क्योंकि कुछ बड़े बड़े काम भी करते हैं वो लोग, इन लोगों ने क्या किया, तुरंत अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी, कहीं ना एक अपलोड की, कुछ ना दो, कुछ ना तीन, तो कुछ ना तो भाई पर डे अपलोड ही कर रहे हैं और थंबनेल पर सिर्फ एक चीज कर देते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड स्टेटस फलाउंड का सब कुछ। ठीक, क्यों करते हैं, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं सब थंबनेल को देखकर चिपक के मधुमक्खी की तरह आ जाएं। अब ऐसे में होता क्या है, एक तो बेचारे उस कैंडिडेट के मन में इस कोरोना की टेंशन चल रही है, कोरोना की चिराग पीछे पड़ी हुई है, और दूसरी तुम्हारी वीडियो देखने के बाद वो क्या सोचने लगता है कि यार पूरी वीडियो देख ली, एग्जाम की डेट के बारे में कुछ बताया नहीं। क्यों, क्योंकि काम तो एक ही है ना, पहले तो आइसोलेटेड कैटेगरी का पूरा नोटिस पढ़वा देंगे आपको, जैसे भाई कैंडिडेट का क्या पागल है यहाँ पर, क्या उसे पढ़ना नहीं आता है, वो खुद पढ़ लेगा, उसे खुद मालूम है कि पीरियड कब होगी कब नहीं होगी, एग्जाम आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। क्यों खामखा दूसरे का खून पीते हो यार। देखो, मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूं उस वीडियो में, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर प्रेजेंट टाइम में मैं पेपर दे रहा होता तो कसम से कमेंट बॉक्स गालियों से भर देता, ये चीज हकीकत है। क्योंकि देखो, जब एक कैंडिडेट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें होती हैं कि तगड़ी प्रिपरेशन और एग्जाम डेट का वेट। ठीक, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी एग्जाम हो वो इतना तगड़े तरीके से एग्जाम दे कि उसका सिलेक्शन 110% श्योर हो जाए। लेकिन इस तरह के नोटिफिकेशन से उसका दिमाग बार बार खराब होता है, वो सोचता है कि यार डेट बढ़ती जाएगी, डेट बढ़ती जाएगी, और होता क्या है, वो उसकी तैयारी कमजोर होती जाती है क्योंकि वो तैयारी में टाइम नहीं देता फिर, और इस चीज का नुकसान उसे होता है एग्जाम में। ये चीज बाकी यूट्यूबर्स नहीं समझते हैं। क्यों, क्योंकि भाई व्यूज चाहिए है, सब्सक्राइबर चाहिए है, यार ले लो। कई बड़े बड़े चैनल हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, वो भी हर हफ्ते में एक दो या तीन, हो सकता है कई बार तो दिन दिन भर यही एक वीडियो डालते हैं कि एग्जाम की डेट आ गई है। कहां आई है यार, कई लोगों ने तो एडमिट कार्ड जारी करवा दिए हैं, अभी स्टेटस तो आने दो, काय का एडमिट कार्ड, क्या तुम क्या रेलवे बोर्ड में हो सीधे सीधे, क्या तुम ही पेपर बनाते हो, क्या तुम ही स्टूडेंट के स्टेटस चेक करते हो, इन चीजों को काफी हद तक आप लोगों को भी अब समझना होगा। गाइस, कुल मिला के क्या करते हैं ये लोग, वीडियो में आपको पूरा एक कोरिजेंडम पढ़ा देंगे। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि आप अनपढ़ हो, आप पढ़ सकते हो खुद भी, बाद में लास्ट में क्या बोल देंगे कि अगर ये नोटिस आया है तो ग्रुप डी का भी नोटिस आएगा, एनटीपीसी का भी नोटिस आएगा, आपकी एग्जाम की डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी। एक चीज बताओ, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया एनटीपीसी से रिलेटेड जो आपके कोरिजेंडम है। मैंने उस दिन भी जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने यही कहा था कि क्या लगता है आपको कि पांचवा नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए। ठीक, तो अभी भी मैं यही कहूंगा, कोई भरोसा नहीं है पांचवा जाए, हो सकता है उससे कि छठवा भी आ जाए, क्योंकि जिस तरह कोरोना के कारण कंडीशन खराब है, किसी चीज का भरोसा मत करना कि कोई चीज कभी किसी सही टाइम पर हो पाएगी। तो एग्जाम की डेट को लेके जितने भी लोग टेंशन में हो यार, क्यों अपनी तैयारी खराब करने पर तुले हो। कई लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि जो लोग पहले अच्छे खासे मोटिवेशन से या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करते थे, कमेंट में अपने आंसर पूछते थे, डाउट रखते थे, अब वो भी बेचारे टेंशन में रहते हैं, उनके मन में भी एक ही चीज है कि एग्जाम की डेट कब होगी, इस चैनल पे ये डेट बता रहे हैं, उस चैनल पे ये डेट बता रहे हैं। यार, जिसे जो बताना है बताने दो, आजाद देश में रह रहे हैं हम लोग, सबको बोलने का हक है, सब बोलेंगे, सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करेंगे। ठीक, देखो कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में एक ही कंडीशन है, एग्जाम की डेट को अभी भूल जाओ, सिर्फ एक जगह चेक किया करो, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और कहीं मत चेक किया करो। वहां जिस दिन नोटिस आया तो समझ लो ऐसा लगेगा कि जैसे जंगल में आग लग गई हो, सारे जानवर यहां भागेंगे। मतलब जब कंपटीशन के मैदान में नोटिस गिरता है तो उसके बाद ऐसी भगदड़ मचती है, सारे कैंडिडेट पढ़ाई में जुट जाते हैं, और यही चीज मान के चलो कि जिस दिन नोटिस आया उस दिन से तैयारी में सब लोग जुटे आएंगे। लेकिन तुम्हें यह करना है कि तुम्हें पहले से ही तैयार रहना है, और जब नोटिस आए तब तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि कोई तुम्हें पार ना कर पाए। तो जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहकाते हैं, खामखा टेंशन देते हैं, उनसे दूर रहा करो। और यहां मैं खुद को सीधा नहीं बताऊंगा, मैं तो खुद कह रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख के आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आप टेंशन में आते हो, तो बिल्कुल बेशक आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, मुझे तो ब्लॉक मार दो, लेकिन जो सही सलाह मैं आपको वही दूंगा। ठीक, मैं अगर अभी पेपर दे रहा होता है, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता, तो मैं सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करता, किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है यार एग्जाम डेट आरआरबी को डिसाइड करनी है, ना कि यूट्यूबर या न्यूज़पेपर को। इसलिए कुल मिला के प्रिपरेशन करते रहो, चक्कर में मत पड़ो किसी के भी।
अपनी तैयारी पर ध्यान दो। तो ये चीज, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसका एक रीजन सिंपल सा है। मैं कई लोगों को दिखता हूँ जो जीमेल आईडी पर सिर्फ मुझे एक ही मेल करते हैं कि एग्जाम की डेट कब होगी। ठीक, कुछ लोग व्हाट्सएप पे कहते हैं कि सर इस यूट्यूब चैनल ने ये डेट बताई है, उस न्यूज़पेपर में ये डेट आई है। इसके अलावा कई लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करते हैं कि भाई एग्जाम की डेट क्या होगी, और सबको मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूँ कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एग्जाम कब होगा। तो फिर क्यों यार परेशान हो रहे हो, अच्छी खासी तैयारी करो ना, कम से कम इतनी तैयारी तो कर लो कि 100 में से 95 के करीब भी मार्क्स आ जाए। तुमने ये सोच लिया कि 100 में से 80 प्लस आ रहे हैं बस निकल जाएगा एग्जाम, क्या सोच रहे हो, एग्जाम को क्या हलवा समझ रहे हो। देखो जिसे बात कड़वी लग रही हो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लाइक डिसलाइक की रेशियो के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में घर कर जाए कि आपको सिर्फ तैयारी करनी है, एग्जाम की डेट जब आएगी आपको पता चल जाएगा, और प्रिपरेशन इतनी अच्छी करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए जो मैंने बोला है उसको अपने ध्यान में रखो, फालतू में अपने आप का ध्यान डाइवर्ट मत होने, खुद अपने हाथों आप डिमोटिवेट हो रहे हो। फिर इसका ब्लेम आप किसे करोगे कि भाई मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे टाइम नहीं मिला, एग्जाम की डेट डिले हुई। तो ये सब बहाने सिर्फ उनके लिए होते हैं जो लूजर होते हैं, इसलिए प्रिपरेशन पर कंटिन्यू फोकस करो। तो ये वीडियो मैं नहीं कहूंगा कि आप लाइक करो से या और कुछ, आप सिर्फ इसे शेयर करो उन कैंडिडेट के साथ जो लोग एग्जाम की डेट की टेंशन में कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को उल्टा खराब ही कर रहे हैं, और फेक यूट्यूबर से खासतौर पर बचो। इसलिए तैयारी पर ध्यान दो, आगे जो होगा आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।